चौधरी साहब, सूत्र ये भी बताते हैं कि आप खुद राज्यसभा के लिए इंटरेस्टेड हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा चल रहा है आपके मन में? ये आपके सूत्र है मारे मन में। मेरे सूत्र तो नहीं, आपके सूत्र बता रहे होंगे। दिल्ली चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली चुनाव में तिकोनिया मुकाबला है कांग्रेस आप और बीजेपी में, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आप में ही रहेगा। सरकार की जिम्मेवारी है SYL का, तो कोई एग्जीक्यूशन का मतलब ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया था? जो राष्ट्रपति का रेफरेंस गया था, जो एब्रोगेट किया था पंजाब ने, कि वो इलीगल कर नहीं सकती कोई स्टेट, यही फैसला होना था। वो फाइनल, वो ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब ये एग्जीक्यूशन होगा, आपस में बैठेंगे, ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिस है। क्योंकि जब गृह मंत्री से हमारी मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय मीटिंग, मुख्यमंत्री भी वहीं थे, वहाँ पे उनके वकील भी आए हुए थे, हमने पूछा था तो उन्होंने स्पष्ट थे वो, अगर ये फाइनलिटी अटेंड कर चुका है, वो एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, फिर क्यों डिले किया जा रहा है पता नहीं। करीब 80 दिन हो गए सरकार को बने हुए, और अभी तक पिछले कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच CID का विवाद चलता रहा, तो कुल मिलाकर विवाद में ही चल रहे अभी तक जो माहौल इनका चल रहा है। वही मैंने कहा ना आपको कि अब तक काम करना शुरू नहीं किया, अभी तक इसी मामलों में लिपटे हुए हैं। मुख्यमंत्री मंत्री के बीच तक का विवाद होना चाहिए विभागों को लेकर? देखो, विभाग का विवाद कुछ नहीं होता है, जहाँ तक विभाग के विभागों का आवंटन का सवाल है, वो मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन पे गवर्नर करते हैं, वो नोटिफिकेशन दे रहे वो विभाग। लेकिन जब ये CID की बात चल रही थी तो विज साहब ने कहा था कि ये CID का महकमा नहीं, गृह मंत्री जो है गृह का महकमा बगैर CID के तो ऐसा है जैसे आँख कान नाक है ही नहीं। तो आँख कान नाक तो गए मुख्यमंत्री के पास, अब इस साहब के पास तो खाली टांग रात रह गए, हम क्या करेंगे। चौधरी साहब, दुष्यंत सिंह चौटाला को बैकफुट पे आप मानते हैं, क्या मानते हैं आप? वो तो व्यक्तिगत में मैं नहीं करता हूँ, कोई आप मुद्दा पूछो तो मानता हूँ कौन बैकफुट। दिल्ली देहात की सीटों पर कैंपेनिंग हरियाणा के नेताओं की कब से शुरू होने जा रही है? शुरू है, कल भी मीटिंग है, सारे विधायक जो हमारे उनको हल्के अलॉट कर दिए गए हैं, और उसमें कल दिल्ली में मीटिंग है, पूरी जोर शोर से पार्टी के प्रचार में कूदेंगे। ठीक है।